हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेंजिंग यूवर्स। सो गाइस, इन्फिनिटी वार के बाद में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी 10 सवालों के बारे में। और गाइस, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इन्फिनिटी वार से जुड़े हुए, तो मैं आपको इन सभी के बारे में एक और अलग सी वीडियो बना के बताऊंगा। और इन सभी सवालों के आंसर मैं आपको बताऊंगा इस QnA सीरीज में, यानी कि इन्फिनिटी वार QnA सीरीज में। सो गाइस, इस सीरीज का पहला वीडियो ये है और हम बात करने वाले हैं कि आखिर जब थैनोस अटैक करता है स्पेस स्टोन लेने के लिए तो वैल्केरी, कोर्ग एंड मीक कहाँ चले जाते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपने इन्फिनिटी वार मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए स्पॉइलर हो सकता है। तो गाइस, हाल ही में रूसो पता ने ये बात तो कंफर्म कर दी है कि वैल्केरी इन्फिनिटी वार में नहीं मरी। यहाँ तक कि जब थैनोस मूवी के एंड में स्नैप करता है उस समय भी वो जिंदा ही थी। लेकिन अब बात आती है कि वो आखिर जिंदा कैसे बच गई। सो पहले बात करते हैं थोर रैग्नारोक के उस सीन की जब लोकी सकार से एसगार्ड पर ग्रैंड मास्टर की सीप लेके सारे एसगार्डियन को बचाने आता है। और तभी सारे एसगार्ड वासी उस सीप में बैठकर एसगार्ड तबाह होने के बाद में अर्थ की तरफ आ रहे होते, तभी उनका सामना होता है थैनोस से, जो कि स्पेस स्टोन लेने के लिए उन पर अटैक करता है। एंड गाइस, हमें वहां पे वैल्केरी, कोर्ग एंड मीक कहीं भी नहीं दिखते हैं, तो आखिर ये लोग कहां चले गए। तो अगर हम ग्रैंड मास्टर की सीप जो कि हमने थोर रैग्नारोक में देखी थी उसका कंपैरिजन करें इन्फिनिटी वार के सीप से, तो हमें डिफरेंस नजर आ रहा है और शायद ये डिफरेंस आपने नोटिस नहीं किया होगा। तो इन तस्वीरों को आप एक बार ध्यान से देखिए। ऊपर वाली सीप आपको नजर आ रही है इन्फिनिटी वार के सीन से, नीचे वाली सीप आपको नजर आ रही है थोर रैग्नारोक के सीन से। अगर आप इन दोनों तस्वीरों को देखेंगे तो आगे वाला पोर्शन यानी कि आगे वाला पार्ट हमको सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे वाले पार्ट की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस है। यानी कि नीचे वाले पार्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, बल्कि इन्फिनिटी वार के सीप में हमें एक्स्ट्रा पार्ट नहीं दिखाया जा रहा है। तो गाइस, ये और कुछ नहीं बल्कि इस सीप की एक एक्स्ट्रा सीप है जो कि हर स्पेस सीप में होती है। तो हो सकता है कि थोर ने उसी सीप का यूज करते हुए वैल्केरी, कोर्ग एंड मीक एंड अपने आधे एसगार्डियन को भेज दिया हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो खुद क्यों नहीं गया, तो शायद थोर को उस वक्त ये लगा होगा कि थैनोस उसके लिए अटैक कर रहा है, यानी कि वो उसे मारना चाहता है, तो अगर वो उसके साथ में जाएगा तो उसके लोग भी मारे जाएंगे। सो गाइस, यही वजह है कि हमें वैल्केरी, कोर्ग एंड मीक नहीं दिखाई दिए। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अगर आपके पास में कोई सवाल है या किसी सवाल का जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।